हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस में एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एजुकेटिव की न्यू रिक्रूटमेंट आई है, उसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, फॉर्म फिल कैसे करना है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आप चंडीगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ही ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको एएसआई वाली नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप एएसआई पे क्लिक करेंगे, आपको रिक्रूटमेंट ऑफ ईयर 2022 देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म फिल करने से पहले केयरफुली चेक करेंगे एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद यह फॉर्म अप्लाई करेंगे। 24 सितंबर को आपका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस 27/9/2022 से स्टार्ट हो जाएगा है। 20 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, 20 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और फीस जो डिपॉजिट डेट आपकी 27 अक्टूबर 2022 यहाँ पे रखी गई है। डिटेल ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल पोस्ट आपकी 49 है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपके यहाँ पे मांगी गई है, एंड कंप्यूटर स्किल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एज 18 से 25 आपके यहाँ पे रखी गई है, जो कि 1/7/2022 से काउंट की जाएगी फ्रेंड्स। एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन की हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे डिटेल्स चेक करेंगे। सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, पोस्ट नेम आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एजुकेटिव देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना होगा फ्रेंड्स, यहाँ आप फुल नेम देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम देना होगा, यहाँ पे आपको अपनी माता जी यानी मदर नेम आपको फिल करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप यहाँ पे अपने DOB सेलेक्ट करेंगे, डेट ईयर मंथ एंड डेट कैलेंडर के बेस पे कैलेंडर को ओपन करके आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी आप सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं अनमैरिड, यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस या नो आपको यहाँ पे दिया गया है। सेल्फ वो जो आप वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे खाली छोड़ देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, आप वर्किंग चंडीगढ़ पुलिस में लास्ट 3 इयर्स में, तो आपको यस या नो यहाँ देना होगा। आर यू सन डॉटर पुलिस चंडीगढ़ पुलिस, आपके कोई भी रिलेटिव फादर वगैरह हैं, सन या डॉटर फादर है आपको, तो यहाँ देना होगा। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो बॉडी पर आपको एक मार्क यहाँ पे देना होगा, है मोल या तिल का, नहीं है तो आप यहाँ पे नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं, है तो आप यहाँ पे जहाँ पे भी आप कहें वो फील करेंगे, नहीं है तो नो मार्क भी आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मेल आईडी फील करना होगा, मेल आईडी आप फील करेंगे। उसके बाद मेल आईडी आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा, दोबारा से आपको अपना मेल आईडी यहाँ पे फील करना होगा फ्रेंड्स। आप यहाँ पे मेल आईडी कंफर्म करेंगे, मेल आईडी कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फील करना होगा और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिखाई दे चुका है आपको। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है, रजिस्टर जो आपने किया है। उसके बाद आपको कंप्लीट योर फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। कंप्लीट योर फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग आपको 12th देना होगा। बोर्ड का आपका यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पे देंगे। ओबिडेंट आपके मार्क क्या थे वो आपको यहाँ देने होंगे, आपने कितने मार्क आपने गेन किए थे, टोटल नंबर ऑफ मार्क आपके क्या थे वो आपको यहाँ देना होगा। ऐसे 12th का पासिंग ईयर आप यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे आपको बोर्ड इंस्टीट्यूशन का नाम आपको देना होगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क आपके क्या थे 12th में आपको यहाँ पे फिल करना होगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क आप फिल कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैक्सिमम मार्क, ओबिडेंट मार्क यहाँ फिल करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क फिल करेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन आप यहाँ देंगे, BA है, BSc आपने जो भी किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंट्री करेंगे। उसके बाद आपको पासिंग ईयर यहाँ पे देना होगा, यूनिवर्सिटी का आपका नाम देना होगा, यहाँ पे कितने मार्क आपने गेन किए हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मार्क आप यहाँ पे देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद अदर कोई आपके पास डिप्लोमा या क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसकी एंट्री आप कर सकते हैं, नहीं है तो आपको यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देना होगा, हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी, वो आप सेलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर कोर्स
80 घंटे का पर एडवर्टाइजमेंट में दोष दिया गया आपके पास है या नहीं है उसकी आप यहाँ पे डिटेल देंगे। टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर का आपके पास लाइसेंस है या नहीं है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी होगी। डू यू हैव एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर क्वालिफिकेशन पास हैं क्वालिफाई यस या नो आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे कोरस्पोंडम एड्रेस आपको देना होगा जो कि यहाँ पे आपसे मांगा गया है। यहाँ आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपका जो भी स्टेट आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। मैं सैम्पल ही तौर पर आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप जब भी फिल करेंगे अपना चेक करेंगे सारे डिटेल्स को उसके बाद ही आप यहाँ पे फिल करेंगे। मैं सिर्फ ओनली आपको सैम्पल तौर पे यहाँ पे चीज़ें फिल करके बता रहा हूँ। उसके बाद आपको अपना सिटी यहाँ आपको अपना पिन कोड देना होगा, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस और कोरस्पोंडम आपका यहाँ पे आपको सेम है तो आप यहाँ पे सेम दे देंगे और अलग अलग है तो आप यहाँ पे अलग अलग फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा जो 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और JPG फाइल में आपकी फाइल होनी चाहिए फ्रेंड्स। फोटो आपका JPG फाइल होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। फोटो जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ आपको देखना होगा मिलेगा, उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा जो भी JPG फाइल में होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे ही अपलोड करेंगे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे फ्रेंड्स जैसे आप क्लिक करेंगे आपके डिटेल्स यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएंगी। केयरफुली सारी डिटेल्स को आप चेक करेंगे और यहाँ आपकी जो दी गई है नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे यस करना होगा, आई एग्री करना होगा, आई एग्री कर आप यहाँ पे एग्री करेंगे रिक्वेस्ट को और आई एग्री एंड कन्फर्म पे आपको करना होगा। इस जैसे आप आगे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सक्सेसफुली हो जाएगी, यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको डिपॉजिट फीस बैंक स्लिप आपको पेंडिंग यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको दे तो फ्रेंड्स आप अपने चालान का यहाँ से चालान अपने ले लेंगे, चालान का प्रिंट ले लेंगे। चालान प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ जमा कराना होगा SBI बैंक के थ्रू। SBI बैंक में आप जाएंगे वहाँ पे आपको जमा कराना होगा। जमा कराने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 48 घंटे के बाद आपका जो होगा अपडेट हो जाएगी डिटेल्स, इसमें ऑटोमेटिक सर्वर पे यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आप अपने ओपन करेंगे, लॉग इन करेंगे ID को वेबसाइट पे जाके और अपना प्रिंट ले लेंगे और नेक्स्ट फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया एग्जामिनेशन सिलेबस की, आपका सिंगल यहाँ पे थ्रू सिंगल एग्जामिनेशन 2 घंटे का आपका पेपर होगा। टू टेयर फर्स्ट टेयर सेकेंड फर्स्ट आपका OMR सीट बेस होगा 50 मार्क का, सेकेंड रिटर्न टेस्ट 50 मार्क आपका यहाँ पे होगा फ्रेंड्स। फर्स्ट आपका 50 क्वेश्चन आएंगे मल्टी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके IT नॉलेज से, 15 क्वेश्चन IQ रीजनिंग, 10 क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी और 5 क्वेश्चन इच क्वेश्चन आपके एथिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कैरी ऑन 1 मार्क आपका एवरी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 1/4 के आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। रिटर्न टेस्ट फ्रेंड्स आपका लैंग्वेज ईजी आपका हिंदी इंग्लिश पंजाबी 30 मार्क का लैंग्वेज आपको यहाँ देखने को मिलेगा और लैंग्वेज स्किल इंग्लिश में आपको 20 मार्क का यहाँ देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिजिकल आपको जो मेजरमेंट PE और आपको देखने को मिलेंगे PET और PMT डिटेल्स, आप हाइट वगैरह आप यहाँ देख चुके हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। चेस्ट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेस आपका यहाँ पे रहेगा, लॉन्ग जंप आपका रहेगा, हाई जंप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको जनरल कंडीशन जो दी गई हैं आपको केयरफुली रीड करेंगे उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे आप पेमेंट आपका जो देगा थ्रू रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको करना होगा थ्रू